नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। यूपी सरकार गरीब और असहाय एवं प्रवासी मजदूरों के साथ साथ महिलाओं को रोजगार देने के लिए कृत संकल्पित है। यह उद्गार विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में जीनियस पब्लिक स्कूल झलवा में आयोजित निःशुल्क टूल किट वितरण कार्यक्रम के दौरान यूपी सरकार के प्रवक्ता एवं खादी ग्रामोद्योग मंत्री माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह ने व्यक्त किया। श्री सिंह ने कहा कि महिलाएं शक्ति के रूप में परिवार के साथ साथ समाज और देश के विकास में अतुलनीय योगदान रहा है। देश की दिशा और दशा को नई राह दिखाने वाली महिलाएं ही आगे बढ़ रही हैं। उनके योगदान को आंका नहीं जा सकता। आज विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत निःशुल्क टूल किट वितरण करते हुए अपार खुशी हो रही है कि शहर पश्चिमी एवं प्रयागराज की हर महिलाएं और पुरुष अपने जीवन को स्वावलंबी बनने के लिए आगे बढ़कर कार्य करने को आतुर हैं। उन्होंने कहा कि काफी संख्या में महिलाएं यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है और उन्हें निःशुल्क टूल किट प्रदान किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल में बड़े संयम धैर्य के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। टूल किट जो जीवन को बढ़ाने के लिए सहायक होगा, आय की आमदनी बढ़ेगी, स्वावलंबी बनकर स्वाभिमानी के साथ जीवन यापन कर सकेंगे। दर्जी क्षेत्र में 33 महिलाएं, कुम्हार में 14 पुरुष, 10 राजमिस्त्री, 9 पुरुष नाई, 6 सुनारी कार्य का प्रशिक्षण लेने के बाद शासन द्वारा निःशुल्क टूल किट प्रदान किया गया है। सभी को आशीष व शुभकामनाएं देता हूँ कि विकास के पथ पर बढ़कर समाज को नई दिशा देंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत कार्य गांव में ही काम मिलना शुरू हो गया है। प्रदेश में 11 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है। विषम परिस्थितियों में चुनौतीपूर्ण कार्य को माननीय योगी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का श्रेय जाता है। प्रयागराज से कैलाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।